हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y01a एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐड आइकन टू होम स्क्रीन। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये सेटिंग आपकी डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद काम कैसे करेगी ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आप जब भी अपने प्ले स्टोर के जरिए किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका वो ऐप ना इस ऐप ड्रॉअर में, इस ऐप ड्रॉअर के अंदर यहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये इंस्टॉल होने के बाद। लेकिन वही ऐप आपका ऑटोमेटिक आपकी होम स्क्रीन पर ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग डिसेबल करने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके फोन में। इसके लिए मोबाइल फोन का आपको ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को यहां पर फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम टाइप करना है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन। आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।